हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व करते हैं क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 13.5। आज इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोलता है ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। तो एक नदी है, देखिए, तो बोलता है गहराई उसकी वह 3 मीटर की गहराई है और जो उसकी नदी की चौड़ाई है, इस तरह से नदी है, तो ये चौड़ाई जो है ये है 40 मीटर की। तो अब यहाँ पे कि बोलता है हाउ मच, इसमें से अगर जो पानी जो फ्लो हो रहा है, ये जो पानी चल रहा है इसमें आगे की तरफ, वो चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 1 मिनट में बोलता है ये नदी, इस नदी जो है समुद्र में या सी में कितना पानी डालेगी, तो जितना इसका वॉल्यूम रहेगा उतना ही डालेगी। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखिए वॉल्यूम निकलेगा क्योंकि यहाँ पे कहा है कि इन अ मिनट, 1 मिनट में कितना पानी डालेगी, ठीक है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि देखिए इसकी जो गहराई है और जो चौड़ाई है वो तो सेम ही रहेगी, लेंथ चेंज है ना, क्योंकि लेंथ में मान लीजिए 1 मिनट में ये यहाँ तक का डिस्टेंस को कवर करती है, तो भाई इतने में जो वॉल्यूम होगा वही तो उसी वॉल्यूम को तो ये समुद्र में या सी में पानी को डालेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि भी किलोमीटर में बोल रखा है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी मीटर में ही है। तो गिवन में आ जाएगा हमारे पास, ये इसने बता रखा है डीप, तो हाइट जो होगी वो 3 मीटर होगी, ब्रेथ जो होगी वो 40, और जो हमारे लिए ये लेंथ हो जाएगी फिर, क्योंकि जब हमें पता चल गया कि भाई 1 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर करे, तो लेंथ ही तो हुई ना उसकी, तो लेंथ हो जाएगी जो हम निकालेंगे यहाँ से 2 किलोमीटर पर आर से। तो हमें इसको पहले तो 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मीटर हो गया। और इसने कहा है पर आर, तो हमें इसमें मिनट में चेंज करना है क्योंकि लास्ट में फिर मिनट में पूछ रखा है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो ये डिवाइड होके आ जाएगा 200/6 मीटर पर मिनट। तो इतना डिस्टेंस जो है ये कवर करेगी 1 मिनट में, तो हमारे लिए वो लंबाई होगी। तब आती है वॉल्यूम की, भाई कितना पानी सी में डालेगी, तो वॉल्यूम जितना वो उसका वॉल्यूम रहेगा, तो वॉल्यूम होगा इसका लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ है ये, इसमें मीटर पर मिनट भी लगेगा, इनटू ब्रेथ जो कि हमारे पास 40 इनटू हाइट, तो 3 × 6 = 220, और ये आ जाएगा 4, 1, 2, 3 मीटर पर मिनट इसमें, हाँ क्योंकि मीटर है तो मीटर क्यूब पर मिनट। तो इतना 40,000 मीटर क्यूब पर मिनट ये जो है पानी जो है सी में डालेगी यहाँ पे। तो इतना ही था इसका आंसर, और अगर आपका भी कोई डाउट रहेगा तो एक दो बार वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर आपको हमारी प्रीमियम क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन का बटन आपको नीचे सब्सक्राइब के पास मिल जाएगा, यानी अंदर चैनल के अंदर भी मिल जाएगा होम स्क्रीन में जाके, तो आप हमारी प्रीमियम क्लासेस जो उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।